लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही द्रंग विधानसभा क्षेत्र की राजनीति आगामी चुनावों के लिए खूब गर्मा गई है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के 3 मुख्य नेता इन दिनों सक्रिय हो गए हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर व विधायक जवाहर ठाकुर में वाकयुद्ध तो जारी है। वहीं अब जिला परिषद उपाध्यक्ष व द्रंग क्षेत्र के बागी नेता पूर्ण चंद ने भी पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्णचंद ठाकुर ने पधर में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद चुनाव के दौरान द्रंग कांग्रेस व कौल सिंह ठाकुर ने उनके खिलाफ काम किया है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन विधानसभा चुनावों में भी उतरना पड़ा था। मैं पिछले 35 वर्षों से 40 वर्षों से उनके साथ जुड़ा हुआ था, मगर अब जो मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा वो भी मुझे मजबूर होकर के लड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ ऐसे चाटुकार, चापलूस, चुगलखोर, झूठ बोलने वाले जो है वहाँ ऐसे ऐसे इकट्ठे हुए थे। अगर मैं जब कौल सिंह जी के साथ होता था तो उन लोगों का महत्व खत्म हो जाता था, और मैंने आज तक पंचायतों के 8 चुनाव जीते हैं, वो बिना टिकट के जीते हैं। उसमें 2 बार मैं जिला मंडी का जिला परिषद का उपाध्यक्ष रहा, और मैंने जो भी इलेक्शन विधानसभा के हुए चाहे लोकसभा के हुए, कांग्रेस पार्टी को जब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था मजबूत करने के लिए रात दिन हमने काम किया और कांग्रेस पार्टी को हमने जो है मजबूत किया। मगर मुझे बड़े खेद की बात है कि अभी मैंने जिला परिषद का चुनाव, जो मेरी परंपरागत जो मेरा वार्ड थी वो महिला के लिए आरक्षित हुई, मैंने बड़ी धार वार्ड से मैंने जो है चुनाव लड़ा, और मुझे बहुत इसके बारे में मुझे बहुत अफसोस हुआ, और पूरी द्रंग कांग्रेस ने मेरे खिलाफ काम किया, इसमें ठाकुर साहब ने मेरे खिलाफ काम किया, इसलिए मुझे जो है मजबूर होकर के चुनाव लड़ना पड़ा। और ठाकुर साहब ने भी कहा था, मेरा पिछले 5 वर्षों से कह रहे हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है, मेरा अंतिम चुनाव है, और मुझे जो है इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने खुद मजबूर किया। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण ब्रिगेड का ही पलड़ा भारी रहेगा, लोकसभा चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने पहली बार मंडी जिला से जयराम ठाकुर के सीएम बनने पर खुशी भी जाहिर की है। आज मंडी जिला की जनता के लिए बहुत ही खुशी है कि पहली बार मंडी जिला से ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री बने। अभी ठाकुर जयराम जी को मुख्यमंत्री बने हुए 1 वर्ष पूरा हुआ है, और इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है विकास के कामों को आगे बढ़ाने की पहल की है। आज कुछ लोग खिलाफ जो टिप्पणी कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर क्या करेंगे, जहां जा रहे हैं, जहां जो भी वहां का जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जो मांग रहे हैं, जो उनके समक्ष मांग रख रहे हैं, उन सभी मांगों को पूरी कर रहे हैं। बेशक लोकसभा चुनाव के लिए द्रंग विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों कौल सिंह ठाकुर धरातल स्तर पर खूब सक्रिय हैं, ऐसे में जवाहर व पूर्ण ने कौल सिंह ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पूर्णचंद के चुनाव में उतरने से मुकाबला तिकोना हो गया है, और पूर्व में भी कांग्रेस के काफी वोट टूट कर पूर्ण के पक्ष में आए थे। इसका फायदा भाजपा उम्मीदवार जवाहर को मिला और वे चुनाव भी जीत गए। बहरहाल आने वाले चुनावों में द्रंग की राजनीति क्या नया मोड़ लेगी, देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।